चलो यार सही है। थैंक यू सो मच। मैंने अपना फोन ठीक करवा लिया था। हाँ जी हाँ, मैंने अभी आपका ब्लॉग देखा, लाइक मेरे को फील हुआ कि हाँ मेरी गलती थी। वो तो मैंने आपको कल भी बोल रहा था, आप मान ही नहीं रहे थे। तेज आप उठते, मेरे को डर नहीं लगता है। भाई इतना ज्यादा डर रहे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं यार। आपने बहुत गंदी बाइक चलाई, पर मेरे को मतलब अच्छा लगा। पर मैं फर्स्ट टाइम ऐसे बाइक पे, मतलब आपको डर लग रहा था? बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था मेरे को, गिरा दोगे, मैं मर जाऊंगी, आज मेरा लास्ट डे आज। बोल सकते हो, अपना नंबर भी दे दो ना। मेरे पास यहाँ की सिम ही नहीं है। इंस्टा है, इंस्टा ले लो आप। ठीक है, हाँ इंस्टा दे देता हूँ आपको, ये लो। अगर जाना होगा राइड पे कोई बात नहीं, आप मैसेज वगैरह कर देना। अभी हम पारुल के साथ छोटा सा प्रैंक करने वाले हैं भाई। अभी हम डॉगी ऊपर लेके आएंगे, पारुल ना डॉगी से बहुत ज़्यादा डरती है, तो अभी वो और शफकन अंदर रूम में लड़ रहे हैं। तो मैंने भाई विनीत भाई को बोला, आप एक काम करो, आप डॉगी लेके आओ। करते हैं एक न्यू ब्लॉग स्टार्ट। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजा डीसी। तो भाई क्या डॉक्यूमेंट लेने हैं? दे देगी ना वापस लड़की? कॉल करी थी उसे, क्या कल क्या बोलते बोल रही थी कि नाम है, तो क्या बोल रहे थे वो? डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही है, फोन ठीक हो जाएगा तब उसके बाद मैं आपको कॉल कर दूंगी। तो कहाँ पे जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट लेने के लिए? कॉल करेगी खुद ही। हाँ चलो ठीक है गाइस, ओके ओके ओके। तो चलो थैंक यू सर, निकालो आप भी बुलेट अपना। तो गाइस अभी बोल रहे थे वो कॉल करेगी लड़की, देन जैसे कॉल करेगी तो फिर भाई के डॉक्यूमेंट भी ले रहे हैं। जैसे आपको पता है भाई, कल वो एक लड़की मिलती जिस साथ भाई इतना बड़ा सीन हो गया था। इस पहले तो वो मेरी बाइक के डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, बट भाई ने बाद में अपने दे दिए, क्योंकि भाई मेरे को अगर ट्रैफिक वाले यहाँ पर रोकते तो मुझे दिखाने पड़ते, तो चंडीगढ़ की बाइक है, तो अगर वापस नहीं मिले तो भाई ऐसे ना करिए। तो भाई तो कल भी बहुत डर रहे थे, भाई बोल रहे थे यार डॉक्यूमेंट संभाल कर, क्योंकि भाई अभी आपको पता भाई ने न्यू बाइक ली है और अपने न्यू बाइक के डॉक्यूमेंट ना भाई उसको दे दिए हैं। निकल चुके हम घर से एक प्यारे से ब्लॉग के लिए, बट उससे पहले भाई हमें जाना पड़ेगा पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल वगैरह फिल करवाना है भाई दोनों बाइकों में, मेरी बाइक में तो अभी है। और गाइस आज फिर से वही सीन रहने वाला, जैसे आपको पता भाई कल लड़की आगे आ गई थी, वो भाई आप सबको पता है भाई उसकी गलती थी, बट जो बंदे सोच रहे मेरी गलती थी, चलो कोई बात नहीं, मैं इस बात पर ज़्यादा मतलब बहस वगैरह नहीं करूँगा। तो उनका मोबाइल ठीक करवाने के लिए दे दिया था, तो बट उन्होंने भाई डॉक्यूमेंट वगैरह रखे हमारी दूसरी बाइक के, तो वो लेने में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी चक्कर में भाई देखते हैं क्या सीन रहता है। और यहाँ पे पहले आप लाइन देखो भाई, इतनी लंबी लाइन तो भाई लंगर वाली लाइन में भी नहीं होती, यहाँ पे लगी है। आज आपने गॉगल क्यों पहनी हुई है? कोई रीज़न है ना? कोई रीज़न मतलब बता दो क्या है? इन्फेक्शन हुआ गाइस, ये मत सोचना कि हेलमेट नहीं वेयर किया है भाई, डैल मारे वो गॉगल इन्होंने इसलिए पहनी है क्योंकि भाई इनको ना आइस पे इन्फेक्शन हो गया, उस चक्कर में भाई इन्होंने ना आज गॉगल वेयर किया है। तो बाकी भाई अभी पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं, V3 बॉस वो देखो सामने रहे, तो जैसे पेट्रोल वगैरह डन हो जाता है डन उसके बाद निकलते हैं। तो भाई टाइम देखते हैं क्या हुआ, क्योंकि हम शाम को 4 बजे व्लॉग के लिए चलते हैं, 4:36 हुए हैं। और भाई अभी उस लड़की के पास भी जाना है, वो डॉक्यूमेंट लेने उस बाइक के, और देखते हैं भाई आज क्या बोली। कल तो आपके भाई ने मतलब फिर भी सुना ही दिया था अच्छे से कि भाई क्या गलती है क्या नहीं, बट वो मान ही नहीं रही थी, बोलती आपकी गलती आपकी गलती है, बट मैंने भी फाइनली ये बोल दिया चलो ठीक है मेरी गलती है। भाई देखते बुलेट आगे निकलते हैं, RR 310 भगा 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 भगा। भाई देखो RR एक और आ गई, भाई बोलते यहाँ पे लीन आता है तो लीन मारना। मैंने बोला भाई मेरे को लीन वगैरह में बड़ा डर लगता है, मैं चलाता ही आस्ता हूँ यार, मैं मम्मा पापा का शरीफ सा लौंडा हूँ यार। ये देखो लीन चेक करो बुलेट पे, ओ भाई मारना। भाई यहाँ पे ना V3 बोस के पास ना अपने R15 होनी चाहिए थी, फिर भाई मजा आता। और देखो भाई हर एक 2-3 मिनट के बाद ना भाई रेड सिग्नल आ जाता है, इससे भाई इरिटेट हो जाता हूँ भाई। गाइस चलो आज थोड़ी बहुत कटिंग करते हैं, बड़ा दिन हो गया भाई तेज लाए हुए यार। भाई मतलब यार इतना मजा आता है ना भाई जब मैं थोड़ी बहुत रैश करता हूँ ना, बट मेरे को रैश के लिए ना भाई कहता हूँ मैं, इतना गंदा ट्रैफिक होना कि मतलब क्या बताऊँ, मतलब पूरे रोड पे ट्रैफिक ही ट्रैफिक होना चाहिए, फिर भाई मेरी RR जाती है गोली की तरह। भाई जब छोटे मोटे ट्रैफिक में ना मेरे को रैश करने का सच में मजा नहीं आता, मेरे को चाहिए भाई रश ही रश हो, तो बस फिर भाई आप देखो भाई कैसे आपकी बाइक की बाइक निकलती है भाई गोली की तरह। बट आस्था चलना चाहिए यार, मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता कि आप तेज़ चलो यार, आप ना ये मत सोचा करो राजा डीसी भी तेज़ चलता है हम भी तेज़ चले, भाई जितनी कंट्रोल होती है सिर्फ उतनी चलाओ। भाई ये हमारे चंडीगढ़ का ट्रैफिक है, बट भाई यहाँ पे ब्रेक मार लेते, ब्रेक नहीं मार लेते जब ट्रैफिक में भगाने, फिर नो ब्रेक आई, फिर बस निकालते जाओ जहाँ से रास्ता मिलता है, ब्रेक मारोगे तो भाई फिर कोई फायदा नहीं, ट्रैफिक में कभी भी ब्रेक नहीं मारनी अगर भाई आपको रैश करनी है ना, क्योंकि रैश करने का मजा भाई विदाउट ब्रेक आता है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ अगली ब्रेक ही तोड़ देते हैं, बट फिर मैंने सोचा नहीं भाई कभी ब्रेक मारने की जरूरत पड़ गई तो फिर क्या करेंगे,
बस भाई आपके पास जल्दी दिल्ली जा रहा है, दिल्ली जाके कहर मचाएंगे, और वहाँ पे तो आपको पता भाई आपका भाई कैसे चलता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत आस्था चलना पड़ता है भाई आपको पता है। मतलब विनीत भाई के मम्मा पापा भी हमारा व्लॉग देखते, अगर आंटी अंकल हमारा ये व्लॉग देख रहे होंगे ना बोलेंगे कितनी तेज चलता है, डांट पड़ेगी। बट भाई सच बोल रहा हूँ भाई, मतलब मेरे को नहीं पता था भाई एज ए सब्सक्राइबर के नाम से भाई हमें इतने अच्छे फैंस मिल जाएंगे। मतलब रात को मम्मा से मेरी बात हो रही थी कॉल पे, वो भी बोल रहे थे आप 2-3 दिन से भाई इनके घर पे हो, बट अब ज़्यादा देर किसी के घर पे नहीं रुकना होता है। मैंने बोला मम्मा मैं तो यही बोल रहा हूँ कि अब दिल्ली जाने दो, बट जैसे मैं विनीत भाई को बोलता हूँ कि भाई मैं जा रहा हूँ, नहीं नहीं राजा भाई एक हफ्ता, मैंने बोला भाई एक हफ्ता मैं नहीं रुक सकता हूँ हमें जाने दो। और भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि भाई हम किसी स्ट्रेंजर के घर पर रह रहे, मतलब ऐसा फील होता है कि भाई अपने घर है। मतलब क्या बताऊँ भाई, ज़्यादा तारीफ करूँगा तो भाई ये ना कि हमारी दोस्ती को नज़र लग जाए, बस इतना बोलूँगा कि भाई विनीत भाई और प्रेरणा दी मतलब नेक्स्ट लेवल दोस्त हैं हमारे। और भाई सच बोलूँ ये भी बहुत मेहनत करते हैं, मतलब जॉब भी करते हैं भाई और साथ में व्लॉग भी, मतलब जॉब इनकी रात को लेट नाइट तक होती है, देन उसके बाद एडिटिंग करके सोते हैं और सुबह उठ के भाई फिर थंबनेल्स वगैरह मतलब एडिट करने, सच में भाई स्ट्रगल करते हैं। तो भाई मैं तो आपको यही बोलूँगा अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर मेरी बात मानता है तो भाई जाके प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। गौ माता भाई मैं भाग गया तू भाई, वो देख रहे हो भाई मेरी बाइक भी रेड है, ये ना भाई मेरे को टक्कर मार दे। वो क्या अभी कॉल आई है ना, हाँ तो वो बोल रहे हैं कि आ जाओ फिर मेरा ऑफिस में आ गई, ऑफिस में आ गया आप आ जाओ। चलो फिर डॉक्यूमेंट ले लेते फिर राइड करते हैं। चलो तो चलो गाइस भाई उन दीदी की भी कॉल आ गई है, वो रहे पहले डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाओ, तो मैंने भी उनको यही चीज़ बोली चलो भाई पहले डॉक्यूमेंट ले जाओ देन उसके बाद राइड करेंगे, क्योंकि भाई अगर कहीं पे हमें पुलिस वालों ने रोका ना तो भाई क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं, भाई क्या दिखाएंगे क्या, मेरे पास तो भाई सारे डॉक्यूमेंट्स बने हैं, तो ये ना हो भाई चलान वगैरह हो जाए। तो चलो भाई पहले डॉक्यूमेंट लेते और देखते भाई उनका मोबाइल ठीक हो ही गया होगा मेरे ख्याल से। तो यार हाँ तू अलग ही लहर में चल रहा होता है, पता नहीं कहाँ हैंकी बांध के बुलेट लेके स्पोर्ट्स हेलमेट पहन के अलग ही लहर में है, तू इस दुनिया में है भी है नहीं है कुछ पता नहीं है, तू क्या बन रहा हुआ इधर आके चंडीगढ़ आके तेरी वाइफ ही अलग हो गई है। भाई पहुंचे अभी हम कहीं पे तो देखते हैं भाई के डॉक्यूमेंट वगैरह मिलते हैं नहीं, ठगी हो नींद आ रही है, लड़की का मामला है बाबू भाई, लड़की का क्या करें, डॉक्यूमेंट लेके भागी और मोबाइल कौन सा था 6 वाह। लोग कमेंट कर रहे थे राजा भाई 1500 रुपये की डिस्प्ले पड़ती है ना, चलो कोई बात नहीं, बट चलो यार कोई बात नहीं भाई। तो गाइस अभी तन्नु कर रही है कॉल, उनको क्या बोल रहे हैं ओके, तो देखो गाइस अब क्या सीन रहता है, डॉक्यूमेंट मिल जाए, मोबाइल पे पता नहीं कितना खर्चा आएगा, कुछ नहीं भाई शॉप पे दिया था हैं, पीछे तो देखो पीछे आ गई, कैसे हो, ये तो अच्छा कर दिएगा, चलो यार सही है, थैंक यू सो मच। मैंने अपना फोन ठीक करवा लिया था, हाँ जी हाँ, मैंने अभी आपका ब्लॉग देखा, लाइक मेरे को फील हुआ कि हाँ मेरी गलती, वो तो मैंने आपको कल भी बोल रहा था आप मान ही नहीं रहे थे। तो मोबाइल अभी मिला तो नहीं आपको, शॉप पे ही अभी, हाँ शॉप पे ही अभी, मतलब कितना खर्चा आया ज्यादा, नहीं तो लाइक 4K आया, अच्छा वो तो मैंने कर दिया पे, बट मुझे फोन लेने जाना है तो आप चल सकते साथ में, उनके तो सकते हैं, ये मना कर रहे हैं, पैसे तो हमें देने पड़ेंगे ना, नहीं नहीं मैंने पे कर दिया उनको, पे कर दिया आप मत तो, कल तो आप हमें वर्थ आप दे देना, नहीं बट मेरे को फील हुआ कि हां मेरी गलती है, चलो फिर कोई बात नहीं, तो टोन बोरे मोबाइल लेने चल सकते हो मेरे साथ, चले जी जी, नहीं फेमस तो नहीं है बट गलती थी, वो हम बता रहे थे आपको कि हम बिल्कुल, चलो कोई बात नहीं छोड़ो उसको, 22 में यार जहाँ पे कल दिया था, हाँ रील्स वगैरह आप बना लेना उसमें कोई चक्कर नहीं है, चले फिर मोबाइल ले आते पहले, चलो ठीक है। तो भाई शुक्र है भाई डॉक्यूमेंट वगैरह वापस मिल गए हैं, तो भाई 22 ही जाना है भाई जहाँ पे कल मोबाइल वगैरह दिया था, बट भाई देखा भाई कैमरे की पावर, भाई इन्होंने हमारा व्लॉग देखा और अभी यही चीज़ बोल रहे कि भाई मुझे पता चल गया मेरी गलती थी, तो भाई इसलिए मैं बोलता हूँ भाई ये कैमरा ना बड़ी मेन चीज़ है भाई, मतलब अच्छी चीज़ है ये, देखते हैं पहले 22 जाना पड़ेगा तो वहाँ पर जाके पहले इनका मोबाइल ले आते हैं, देन उसके बाद हमें आज फिर से राइड पर जाना था, तो आज फिर से भाई यही सीन है, तो पहले इसको ख़त्म कर देते हैं, बट शुक्र है भाई आज ये दीदी थोड़ा प्यार से बात कर रही है, क्या हुआ फास्ट तो चलाऊंगा वहाँ में, आप डरने लग जाओगे, नहीं 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 फास्ट चलाओ, चलो ठीक है डरोगे तो नहीं ना, नहीं 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 चलो कोई बात नहीं, लो फाइनली राजा भाई देख रहे हैं रुस्ता है, अपनी गलती तो पता लगी, मेरे को ये बोल रही थी अभी, बोलते कि मैंने वीडियो वगैरह देखी आपकी गलती नहीं थी वो, मैंने बोला मैंने तो दीदी आपको कल ही बोला था यार,
बट चलो कोई बात नहीं यार, मैं ये चीज़ अपने सब्सक्राइबर को बोलता हूँ भाई, इस कैमरे का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, मतलब इसमें सब कुछ पता चल जाता है क्लियर ही कि मतलब क्या सीन है क्या नहीं। तो बाकी भाई अभी प्रेरणा दी और साथ में वो जो लड़की है वही वो गए अभी शॉप पे, तो वहाँ से लाएंगे भाई अभी जाके मोबाइल कैसे ना, और आपको मैं अलॉय दिखाता हूँ गाड़ी में भाई डलिया सिटी में। तो भैया अलॉय चेक करो भाई, तो भाई अगर आप बोलते कि ये वाले अलॉय हम वरना में डाले, ये तो अभी तक भाई वरना में किसी ने भी नहीं डाले जो मुँह में। मोबाइल वाला काम हो चुका है ख़त्म, देन अब इनको छोड़ देते हैं। देखो कैसे चला रहे पीछे, क्या हुआ यार आपको? आपको नहीं गिरा था कल, कल अगर मैं आपके पास आया मैंने आपको टक्कर मारी, आप मेरे को ये बताओ तो फिर आप अभी क्यों डर रहे हो यार? टेंशन लो, मैं आपसे ज्यादा फिक्र मेरे को अपनी बाइक की है, मैं इसको थोड़ी गिराऊंगा। ये बड़ा डर रहे हैं यार, जैसे थोड़ी सी तेज चलाते हो चलाने लग जाते हैं, चलाने लग जाते हैं। और क्या, चलाओ रेस करते हैं, चलो आ जाओ, आ जाओ। चलो गाइस, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, गैस रोने लग गया इसके पीछे। शान 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 गैस, मेरा हाथ पकड़ के हैंड हैंडल पे रख रहे, पूरे हैंडल पकड़ो। क्या हुआ, डर लग रहा है? सच बोलो। थोड़ा बहुत बदला लिया मैंने, ज्यादा नहीं, क्योंकि कल ना बहुत ज्यादा इन्होंने ना मेरी टेट किया था, मेरी गलती है। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अब तो मुझे पता है किसी गलती है, बट चलो छोड़ो यार। अब तो गाइस एक बार इनसे पूछ रहे भाई, इनको डर वगैरह लग रहा है, मतलब कैसा लग रहा है आपको राइड करके? बहुत डर लग रहा है मुझे, आराम से चलाओ। मतलब तेज आप उठते मेरे को डर नहीं लगता है? आपको कैसा फील हो रहा है सच बताना? गाइस इनको ना डर लगने लग गया, बट चलो कोई बात नहीं, इनको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, उसकी मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी है। चलो गाइस फिर से भगाते हैं, बट यार अपने मनीत भाई ना ब्रेक वगैरह मार देते हैं भाई, इतना ज़्यादा डर रहे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ यार। यार कुछ भी नहीं, नॉर्मल है सच में, अगर आप ज़्यादा डरोगे आपको ज़्यादा डर लगेगा। चलो यार ठीक है छोड़ो, नॉर्मल आस्था चलते गाइस। गाइस ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, हद से ज़्यादा यार, इनको डर लग रहा है यार, बोरे मेरे को उतार दो। डर लग रहा है, आपने बहुत गंदी बाइक चलाई, पर मेरे को मतलब अच्छा लगा, पर मैं फर्स्ट टाइम ऐसे बाइक पे, मतलब आपको डर लग रहा था? बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था मेरे को, गिरा दोगे, मैं मर जाऊंगी, आज मेरा लास्ट डे, आज नहीं जा पाऊंगी घर वापस। ओए बट राइड करके अच्छा लगा आपको? मोबाइल भी आपका ठीक हो गया, मतलब अब माफ़ी होगी ना, हमें माफ़ तो कर दिया ना आपने? नहीं चलो यार उस चीज़ के लिए कोई बात नहीं, बट चलो कोई बात नहीं, अगर आप फ्री होंगे तो फिर हम जल्दी से राइड पे। हाँ कोई बात नहीं, राइड पे आप चलना, हम अभी फिलहाल एक दो दिन तो अभी चंडीगढ़ में ही है, अगर आप होंगे तो कोई बात नहीं, आपने नंबर वगैरह तो लिया ही इनका, आप इनको कॉल कर देना, अगर राइड पे जाना होगा तो कोई बात नहीं, आप चल सकते हो। मेरे पास यहाँ की सिम ही नहीं है, इंस्टा है, इंस्टा ले लो आप। हाँ इंस्टा दे देता हूँ आपको, मेरा मोबाइल किसके पास है? अभी इनको डर वगैरह लग गया था, पूरे आस्था चलाओ यार, इतना चिल्ला रहे थे ना पीछे से विनीत भाई, ये बहुत ज़्यादा यार। जी 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 ये लो, अगर जाना होगा राइड पे कोई बात नहीं, आप मैसेज वगैरह कर देना, सॉरी बोल रहे थे अभी यार ये, मैंने बोला हमने कल भी आपको ये चीज़ बोली थी, चलो यार करो ख़त्म, डरा दिया मैंने बाबे क्या करूँ। चलो कोई बात नहीं, चलो आओ आपको छोड़ देते आगे, नेक्स्ट टाइम फिर रील्स वगैरह आप शूट कर लेना। ये जा रही है V3 बोस की बाइक R15, ये V3 बोस ने ना भाई कलर करके ना इनको दे दी थी भाई रेड कलर में, और भाई ने भाई जैसे देखा रेड आ रहा है साथ में अभी भगाने की ना कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हो? ओ भाई 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 भाई, भाई। मैं तो हार गया सर, आप जीत गए भाई, बाइक भगाई जा रही है साथ में, मेरे को तो भाई आगे ऐसे शिकार चाहिए जो मेरे साथ बाइक भगाए। ये दीदी मेरा हाथ पीछे से उठा के इधर हैंडल पर रख रही है, ये पकड़ो। सही है, आपको मतलब मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं है यार। सही है, वाह, अगर कल मैं आपको ठोक देता ना तब आपको मेरा हाथ पकड़वाना चाहिए था। दीदी भाई मेरा हाथ पीछे से पकड़ के हैंडल पर रख रही है भाई, दोनों हाथ पकड़ के चलाओ, मेरे को तो आगे भाई रेस के लिए कोई बंदा चाहिए होता है। अभी भाई वो R15 वाला बंदा भगा रहा था, बट चलो भाई अभी ये दीदी बैठे हैं, इनको भाई यहाँ पे ड्रॉप करना है, बस इनका ऑफिस आ गया है,
देन उसके बाद भाई करते हैं प्यारी सी राइड। तो वो जो हमारे पीछे अभी जो दीदी बैठे हुए थे ये उतरे, ये बोलते कि भाई हाथ पकड़ो, ये मेरा हाथ पीछे था, हाथ पकड़ के ऐसे आगे कर रहे हैं कि हाथ पकड़, दोनों हाथ पकड़ के चलाओ। मैंने बोला सही है भाई। भाई ये बंदा भाई इसकी बस नहीं होती भाई, सबकी हो जाती, बुलेट पे लीन चेक करो। ओ भाई कबीर सिंह को रोको, कबीर सिंह रुक जा प्लीज, वो देख रहे हो, रुक जा कबीर सिंह, कबीर सिंह रुक जा यार। भाई ये बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा यार, वो देखो भाई गाड़ी कितनी तेज आ रही है, कबीर सिंह प्लीज। यार दुनिया को पता क्या बोलता है, साइड हो जाओ, ऐसे एक हाथ से साइड करता है दुनिया को कि इसकी बाइक आ रही है भाई। बट यार चलो यार सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, खास करके उस लड़की का थोड़ा बुरा लगा था, बट चलो आज थोड़ा अच्छा लग रहा है कि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। गलती का एहसास सबसे अच्छी चीज़ होती है, जो बंदा भाई अपनी गलती मान लेना वो लोग भाई मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। बट भाई सच में यार जितना बाइक का टायर हिलता है ना पीछे वाली बुलेट का, भीतरी बॉस उतनी तेज़ चलाते हैं भाई। तो बाइक वगैरह करते हैं पहले पार्क, आप मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मुक्कू से मिलाओ, मुक्कू को लाओ बाहर से मिला देता आज अपने YouTube फैमिली से। इससे पारुल डरती और कोई नहीं। शफकत हेलो कर, गैस वी3 बॉस हेलो कर रहा है। अभी उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि भाई ये दोनों हेलमेट पहन के कौन है, बट वी3 बॉस ने तो उतार दिया हुआ है। बुरा नहीं, नाराज़ हूँ, बुरा ब्लॉग के लिए नहीं लेके गए भाई, बाहर जा रहा है, पकड़ के रखो वी3 बॉस। देखो भाई, ओ भाई नाइस। गाइस कमेंट करके बताना आपको ये प्यारा सा डॉग कैसा लगा। तो भाई इससे सबसे ज़्यादा डरती है पारुल, वो जब आएगी तब उससे, हाँ भाई एक वीडियो शूट की थी पारुल की, वो मैं ज़रूर इसमें डालूंगा, वो डर जाती है, वो चींके मारने स्टार्ट हो जाती है। गाइस अभी ना हम पारुल के साथ छोटा सा प्रैंक करने वाले हैं भाई, अभी ना हम डॉगी ऊपर लेके आएंगे, पारुल ना डॉगी से बहुत ज़्यादा डरती है, तो अभी वो और शफकत ना रूम में लड़ रहे हैं, तो मैंने भाई विनीत भाई को बोला आप एक काम करो आप डॉगी लेके आओ, देन उसके बाद ना इसको डराते हैं। तो ये वाली ब्लॉग में मैं क्लिप ऐड जरूर कर दूंगा, मैं बहुत पहले बना रहा हूँ। तो अभी भाई विनीत भाई नीचे लेके गए, इतना ज़्यादा डरती है ना, उससे क्या नाम है, मुग्गू नाम है शाही से। तो अभी ये ना अंदर मैंने शफकत को बोला तो पारुल को बिजी रखना, जैसे अभी विनीत भाई डॉगी को ऊपर लेके आएंगे रूम में लेके जाएंगे और उसको डराते हैं, जैसे डॉगी ऊपर आता है मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। गाइस देखो भाई डॉगी अपना आ चुका है यहाँ पे, ये प्यारा सा डॉगी अपना, तो चलो आ जाते अंदर, चलो अंदर अंदर अंदर। तो गाइस अभी हम इसको डराने वाले हैं, आगे 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 यार। गाइस अभी अंदर लेके जा रहे हैं उसको, बस खोल खोलना, एक सेकेंड दरवाजा खोल शफकत, आज करेगी बदतमीजी मेरे भाई के साथ, शफकत के साथ, शफकत के साथ बदतमीजी करेगी। इधर आ शफकत, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल शफकत, तेरे को नहीं कुछ करेगा, जा तू दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, रुक जा रुक जा रुक जा, चल इसको लेके बार बार चल बार आ जा, बार बार आ जा, ले जा इसको नीचे छोड़।